आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, इस चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड जो भी टर्म है, जो भी टॉपिक है, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी कोर्सेज हैं, उनके जो भी सिलेबस है, सब्जेक्ट है, सारी चीजों को बारी बारी से पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और जो भी कमेंट्स आप कर रहे हो, जो भी कंफ्यूजन है, उसको दूर किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में आज टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। और ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि कम एज में हम क्लिनिक खोल लें और पेशेंट केयर में अपना पेशेंट केयर अपना खुद का पेशेंट केयर खोल करके उसमें पेशेंट का इलाज कर सकें, तो उनके लिए आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स की जानकारी के साथ आप सभी के बीच में आया हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादा अगर आप शेयर करोगे तो बेनिफिट होगा। जो स्टूडेंट जो चाहते हैं, जो जानकारी के अभाव में जो जो जरूरी जो कोर्सेज है नहीं कर पा रहे हैं, अगर उन्हें जानकारी मिलेगी तो वो ये कोर्स करेंगे और उन्हें भी कुछ पैसे या रोजगार मिलेंगे, उन्हें भी कुछ रोजगार का अवसर मिलेगा, वो रोजगार अपना खुद का रोजगार बना सकेंगे, रोजगार खोल सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। तो मैं ये आप सभी से चाहता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन जरूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुंचाएं जिनके पास पैसे की कमी के कारण वो अपना भविष्य बना नहीं पा रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए जो मेडिकल के फील्ड में जुड़ करके अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके तक ये पहुंचना ही चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देता हूं कि कौन सा कोर्स है और इसकी क्या योग्यता है, कैसे इस कोर्स में एडमिशन लेंगे, कैसे पढ़ाई इसमें करेंगे, कैसे इसको इसका सर्टिफिकेट कहां से मिलता है और क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो आज जो कोर्स मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं, उस कोर्स को हम कहते हैं CMS and ED। इस कोर्स को हम CMS और ED नाम से जानते हैं। कोर्स का नाम है CMS और ED। तो CMS का मतलब कम्युनिटी मेडिकल सर्विस। तो CMS जो है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस है और ED को अगर बताएंगे तो इसको एसेंशियल ड्रग कहेंगे, एसेंशियल ड्रग्स। मतलब कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, मतलब अगर आप ये कोर्स करते हो तो आप सामुदायिक एक स्वास्थ्य सेवा के लिए आप केंद्र खोल सकते हो, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, और जो आवश्यक दवाइयां हैं आप उसको पेशेंट को दे करके आप उसका इलाज कर सकते हो। तो ये कोर्स का नाम है CMS और ED। अब जानते हैं कि कोर्स ये है क्या, इस कोर्स को कैसे करेंगे और क्या चीजें हैं, किनको वरीयता मिलती है, इसके बाद से करना क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो अगर आप CMS और ED करते हो, CMS और ED अगर आप कोर्स कर लेते हो, तो जो भी स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं या पैसे की दिक्कत की वजह से वो MBBS, BDS, BHMS या BMS नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप MBBS करते हो, BDS करते हो, BHMS करते हो या BMS करते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। कम से कम 40-50 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए तब आप मेडिकल की प्रिपरेशन, ये जो मेडिकल के कोर्सेज हैं ये आप कर सकते हो। 5.5 साल आपके पास समय भी होना चाहिए तब आप ये कर सकते हो। तो जो गरीब वर्ग के, जो मध्यम वर्ग से जो बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या पेशेंट केयर खोल करके पेशेंट का इलाज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, क्योंकि इसमें इतने पैसे भी आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटर पास होकर के चाहते हैं कि मेडिकल में करियर बनाए, या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नर्स है या कंपाउंडर का काम कर रहा है या किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है, कोई वर्क कर रहा है, तो उनके लिए ये जो कोर्स है बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये कोर्स आपको वो सारी सुविधाएं दे देगा जिससे आपको कोई भी झोला छाप डॉक्टर नहीं बोलेगा। जैसे आपने देखा होगा गांव में, चौराहों पर या शहर में बहुत सारे क्लिनिक लोग बिना लाइसेंस के खोल करके, क्योंकि उन्हें अनुभव प्राप्त हो जाता है, कहीं काम करते करते ज्यादा अनुभवशील हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक क्लिनिक अपना डाल लेते हैं और गवर्नमेंट से चोरी छुपे दवा करते हैं, इलाज करते हैं, उन्हें डर रहता है कि कभी जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां आ गई तो हमें जेल में बंद कर देंगे या जुर्माना लगेगा, ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए ये कोर्स बहुत ही बेस्ट है, आप इसको कर सकते हैं। ये जो कोर्स है आपका ईयर
और 6 months का कोर्स है, मतलब कि ये 1.5 साल का कोर्स है आपका। और इस कोर्स की जो टाइमिंग है 1 साल 6 महीने है, इसको करने के बाद से आप अगर इस कोर्स को कर लेते हो तो इसको करने के बाद से आपका एक इस कोर्स में आपका एडमिशन अगर आपको कराना है, सीएमएस ईडी करना है, तो सीएमएस ईडी जो कोर्स है ये 1.5 साल का कोर्स है, 1 साल 6 महीने का कोर्स है। आप किसी भी पंजीकृत संस्था में आप पता कर सकते हो कि सीएमएस ईडी का कोर्स अगर यहाँ पे है तो आप वहां पे अपना एडमिशन करा सकते हो। अगर योग्यता कहें इस एडमिशन को करने के लिए, अगर योग्यता की बात करें, क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें आपको 12th पास होना, पास आउट होना जरूरी है, 12वीं पास, कम से कम आपको 12th पढ़ना है और 12वीं पास होना चाहिए। आप मैथ्स या बायो से पास हो गए तो आप कर सकते हो सीएमएस और ईडी का कोर्स, आप कर सकते हैं मैथ्स या बायो से अगर आप 12th पास हो। उसके बाद से और ज्यादा बेहतर हो जाएगा अगर आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, चाहे डिफार्मा कर रहे हो या नर्स के किसी कोर्स से जुड़े हुए, एनएम कर रहे हैं, जेएनएम कर रहे हैं, अगर वो भी है वैकल्पिक में आ जाएगा तो उसमें आपको वरीयता मिलेगी। आप उसको करने के बाद से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, या अगर आप कंपाउंडर हो या नर्स हो या किसी हॉस्पिटल में आप वर्क कर रहे हो, ज्यादा आपको अनुभव प्राप्त हो चुका है और आप इंटर पास हो तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया, कोर्स की टाइमिंग 1 साल 6 महीने है, 1.5 साल का कोर्स है, आसानी से इसमें एडमिशन भी हो जाएगा। बस आपको पता करना है कि किस कौन सी संस्था है या कौन सा पैरिया मेडिकल कॉलेज है जो ये कोर्स करा रहा है, तो आप वहां पे थोड़ी सी छानबीन करने के बाद से आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। और 1.5 साल के बाद से आपको, आप पंजीकृत हो जाओगे, रजिस्टर्ड हो जाओगे उन 42 दवाइयों के लिए जिसको WHO ने सर्टिफाई किया है। WHO ने 42 तरह की दवाइयों को सर्टिफिकेट प्रदान किया है कि सीएमएस ईडी वाले जो भी सीएमएस ईडी कर ले रहे हैं वो 42 तरह की जो दवाइयां हैं उनका प्रयोग करके प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। मतलब आप ये मत समझिएगा कि इस कोर्स को करने के बाद से बस आप फर्स्ट एड ही कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट एड में 42 तरह की दवाइयां नहीं आती है, फर्स्ट एड में बहुत ही कम दवाइयां आती है, लेकिन फर्स्ट एड से बढ़ करके ये कोर्स है। मतलब कि उसमें आपको 42 तरह की दवाइयों के लिए ये मान्यता मिल जाती है कि आप पेशेंट का इलाज इन 42 तरह की दवाइयों का प्रयोग करके कर सकते हो। तो योग्यता में आपको बता दिया मैंने कि 12th पास होना चाहिए, मैथ या बायो से आप 12th पास हो, उसके बाद से अगर आप कंपाउंडर हो, नर्स हो या कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, मेडिकल से एनएम हो, जीएनएम हो, जो भी हो, तो आप ये कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद से कोर्स के अगर फायदे कहेंगे तो कोर्स के बहुत सारे फायदे, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद से WHO द्वारा जो भी रजिस्टर्ड जो दवाइयां हैं, 42 तरह की जो एलोपैथिक दवाइयां हैं, उसको आप पूरे भारत में किसी भी ग्रामीण रीजन में जा करके रूलर जो पेशेंट केयर आप डाल करके पेशेंट का इलाज अच्छी तरह से पेशेंट का इलाज कर सकते हो। तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आप ये कोर्स करते हो तो WHO के द्वारा जो पंजीकृत 42 तरह की जो दवाइयां हैं उसका प्रयोग करके आप पेशेंट केयर किसी भी रूरल एरिया में आप खोल सकते हो। रूरल मतलब ग्रामीण जो इलाके हैं, ग्रामीण अंचल है, वहां पे आप ये क्लिनिक डाल सकते हो और अच्छा खासा आप कमाई कर सकते हो, अच्छा खासा आपका व्यापार चलेगा और अच्छी खासी आपकी कमाई हो जाएगी, पेशेंट की सेवा भी हो जाएगी और आप अच्छा खासा बेनिफिट भी कर सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। तो रूरल इलाके में आप इन 42 तरह की दवाइयों का प्रयोग करके आप चला सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप ये चीजें, ये कोर्स कर लेते हो तो ये आपका जो झमेला है कि अधिकारी आ जाएंगे या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आएंगे, आपको परेशान करेंगे या ये कहेंगे कि आप ये क्लिनिक, उस कोर्स, इस कोर्स को करने के बाद से एक बकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको ना तो केंद्र सरकार बंद करा सकती है ना ही स्टेट गवर्नमेंट बंद करा सकती है, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट के अंडर में ये कोर्स नहीं है, क्योंकि इस कोर्स को कराने के लिए एक विशेष संस्था है जो इस कोर्स को कराती है, वही सर्टिफिकेट देती है, वही इसकी देखरेख करती है, निगरानी करती है और इसको पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा कागज मिला हुआ है, इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो अगर हम इसके एग्जाम और सर्टिफिकेट की बात करें कि एग्जाम कौन कराता है, सर्टिफिकेट कौन देता है, तो उसके लिए बता दूं
कि एग्जाम सर्टिफिकेट की, तो एग्जाम और सर्टिफिकेट अगर देखें तो एग्जाम जो है इंडियन रूरल मेडिकल एसोसिएशन आपका एग्जाम कराएगा और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट हेल्थ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको इसके द्वारा मिल जाएगा और आप पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो जाओगे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप सिंपली सीएमएसईडी का कोर्स करने के बाद से आप एक क्लिनिक किसी भी ग्रामीण इलाके में खोल सकते हो। और जो मेन चीज है वो बता दूं कि कोर्स फीस कितनी होगी, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम ये करना चाहें तो इसमें कितने ज्यादा पैसे खर्च होंगे। तो मैं बता दूं बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस कोर्स को 15,000 से 20,000 में आसानी से करा देती हैं। और अगर ज्यादा से ज्यादा फीस की बात करेंगे, अगर बहुत ज्यादा अगर फीस की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए में ये कोई भी संस्था आपको आसानी से करा देगा। और अगर मिनिमम फीस की बात करें, कम से कम फीस की बात करें, तो सबसे कम जो फीस है 10,000 से 15,000 रुपए में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 साल का कोर्स है, कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी चीज ये बता दूं, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो हेल्थ वर्कर हूं, कंपाउंडर हूं, या मैंने मेडिकल स्टोर खोल रखा है तो मैं ये कोर्स नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे दुकान छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी ये जो क्लासेस है रेगुलर नहीं चलती। या तो आप पत्राचार के द्वारा पढ़ सकते हो, पत्राचार मतलब कि कोरियर से या डाक से आपको किताबें और जो उत्तर पुस्तिका या नोट्स है जो भी है आपको भेज दिया जाएगा, आप घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कभी भी टाइम निकाल के दवाइयों के बारे में जानकारी ले सकते हो, इलाज करने की प्रक्रिया पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे क्लास करना है, जाकर के पढ़ना है, तो मैं बता दूं कि क्लास करने के लिए आपको कोई भी दुकान बंद नहीं करना, अपना काम नहीं छोड़ना है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो नहीं बंद करना है, आप संडे को जाकर के आप क्लास कर सकते हो। इसकी क्लासेस जो है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो संडे को इसकी क्लास लेते हैं, संडे को क्लास आपकी चलती है, आप जाकर के वहां पे क्लास कर सकते हो। तो जो भी चीजें थी मैंने बताई, अब जो बात कर लेते हैं इसके मान्यता की, इसको मान्यता कौन दे रहा है, कि आप अगर सर्टिफिकेट पा जाते हो तो इसको मान्यता किसने प्रदान की है कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कैसी गारंटी है, तो मैं आपको इसके मान्यता के बारे में भी बता देता हूं। इसको 3 जगह से मान्यता प्राप्त है और वो मान्यता का अगर मैं उल्लेख करूं, ईडी का जो कोर्स आप कर रहे हो उसको उच्चतम न्यायालय द्वारा वैधानिक मान्यता प्राप्त है। और मैंने पहले ही बता दिया, न तो इस कोर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है, न ही स्टेट गवर्नमेंट करा रही है, तो आपका कोई झोर झमेला नहीं है कि आपको ये सरकारें ये कोर्स को बंद करा देंगी, आपको दुकान नहीं खोलने देंगी, आपको क्लिनिक नहीं चलाने देंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको, क्योंकि इसको उच्चतम न्यायालय द्वारा वैधानिक मान्यता प्राप्त है, आप इसको आसानी से करने के बाद से आप क्लिनिक खोल सकते हो। दूसरी जो चीज है वो आप अगर क्लिनिक खोलते हो या प्राइमरी हेल्थ केयर डालते हो, उसमें आप अगर काम करते हो, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, जिससे आपको कोई परेशान नहीं करेगा। कोई भी अधिकारी आपके सामने आता है या स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी आता है, आपको धमकाता है, तो आप डायरेक्टली जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, आप सिंपली उनको दिखाइए। तो अगर अधिकारी अगर आपके डॉक्यूमेंट देखते हैं, कागज देखते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से पता चल जाएगा, वो परेशान नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे। तो सिंपली जो दो चीजें मैं बता दी, और लास्ट बता देता हूं तीसरा जो है, तीसरा आपको क्या मान्यता इस कोर्स द्वारा मिलेगा, WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, WHO द्वारा मान्यता प्राप्त, मतलब इस कोर्स को WHO द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया WHO ने 42 जो दवाइयां हैं उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर चला करके जो ग्रामीण इलाकों में जो भी लोग रह रहे हैं पैसे के अभाव में, बड़े क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाते, बड़े हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इलाज के अभाव में वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो WHO ने क्या किया है कि मान्यता दी हुई है कि CMSED का जो कोर्स हो रहा है उसके थ्रू जो भी CMSED कर ले रहे हैं या एक्सपीरियंस जो कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, तो वो आसानी से इस कोर्स को करने के बाद से क्लिनिक खोल करके ग्रामीण इलाकों में पेशेंट केयर चला सकते हैं, पेशेंट का केयर कर सकते हैं, पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर वो इलाज करेंगे तो जो पेशेंट ग्रामीण इलाकों में इलाज के अभाव में या रात हो गई, शहर दूर है, हॉस्पिटल दूर है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट था प्राइमरी जो ट्रीटमेंट करना था वो नहीं हो पाया,
उसके अभाव में पेशेंट मर जाते हैं, तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो सीएमएसईडी किए हुए जो भी सीएमएसईडी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी सीएमएसईडी किया हुआ है और जिन्होंने अपना क्लिनिक डाला है वो इलाज कर लेंगे, जिससे उनकी जान भी बच जाएगी और वो जो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने का जो झमेला है वो भी बच जाएगा। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल में इमरजेंसी में आप तो देख सकते हो। तो आपकी आप अगर सेवा भाव भी रखते हो कि नहीं हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, गरीबों का इलाज करना चाहते हैं, अपने गांव में इलाके में रह करके इलाज करना चाहते हैं, पेशेंट केयर खोलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे इलाज की कमी में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो ये भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जितने भी डॉक्टर हैं, एजुकेटेड डॉक्टर हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं 60-65% जो डॉक्टर हैं वो एक्सपीरियंस है, मतलब उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने कंपाउंडरी करके या हॉस्पिटल में काम करके जो उनके पास जो अनुभव आया है वो अनुभव लेकर के वो कहीं क्लिनिक चोरी छुपे चला रहे हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपको पूरी छूट देता है कि आप जो काम चोरी छुपे कर रहे हो वो बिंदास कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं, जिससे कोई रोक टोक नहीं है। आप तो मैं कहता हूं, मैं तो आपको कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में आप एडमिशन करा लें, क्योंकि मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप जाइए इस कोर्स को कराइए कि ये मेरा कॉलेज है आप इसमें जाकर के करा लीजिए, यहाँ पे पैसे इतने लगेंगे इतने में हो जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें नहीं कर रहा, मैं इस कोर्स को बस आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स अच्छा है और मैंने इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज इकट्ठा की है, पूरी जानकारी इकट्ठा की है। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी ये जानकारी दूं और आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि जो गरीब फैमिली से जो बच्चे हैं और बेरोजगार बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि कोई अच्छा कोर्स करके बढ़िया बेनिफिट कमाया जाए, तो बहुत ही कम समय में आप मतलब कि 1.5 साल में अच्छा बेनिफिट कमा सकते हो, आपको फायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आसपास के जो दोस्त हैं या फैमिली मेंबर हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जानकारी मिले और वो इस कोर्स को कराने के लिए बाध्य हो, आपको ये कोर्स कराएं और कम समय में आप एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा क्लिनिक खोल करके अच्छी कमाई कर सके और समाज सेवा भी कर ले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ और भी जानना है या ये जानना है कि आपको बढ़िया पैरामेडिकल कॉलेज कहाँ मिलेंगे या बढ़िया जो जगह है वहाँ पे कहाँ पे आपको इससे एडमिशन करा सकते हैं, या अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा, आपके इलाके में नहीं है, आप परेशान हो, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इसमें एडमिशन कराना है, तो मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप कहां से एडमिशन करा सकते हो। लेकिन आप ये दिमाग में रखिएगा, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि मैंने चैनल बनाया हुआ है बस मेडिकल फील्ड से, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनकी हेल्प करने के लिए बना रहा हूं। और जो आप चाहते हैं साइंस से रिलेटेड या जो भी चीजें एलोपैथी से आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी ज्ञान चाहते हैं यहां से इस चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं, इसलिए आप सभी के बीच में आया हूं। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है तो इसको अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि नहीं मेरा बेनिफिट होगा इसलिए मैं इस कोर्स का प्रचार कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये कोर्स अच्छा लगा इसलिए आप सभी से मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हमको प्यार देते रहिए, ताकि आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट जो भी नॉलेज है मैं आप सभी को देता रहूं।